हेलो गाइस, फ्रीकम माल की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सब अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। पहले क्या होता था, लोग छुट्टियां लेके आते थे दिवाली की घर पे और तब दिवाली सेलिब्रेट करते थे, बट कोविड ने ऐसा कर दिया कि लॉकडाउन लगा दिया और सब अपनी फैमिली के साथ ही है ऑलरेडी। तो लॉकडाउन से एक चीज अच्छी हुई है कि लोग अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए हैं और उनको समझ पाए हैं। पहले नहीं समझ पाते थे क्योंकि दूर रहते थे, तो अब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और अच्छे से उनको जानते हैं, तो ये चीजें अच्छी हुई है। एंड गाइस, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, तो हमने यही सोचा था कैसे हम आप तक अच्छे ऑफर्स पहुंचाएंगे, घर से कैसे काम करेंगे, वीडियोस कैसे बना के आप तक पहुंचा पाएंगे। हमेशा हम लोगों को सपोर्ट किया है, चाहे वो वॉइस ओवर वाली वीडियो हो, सेल्फी वीडियो हो, कभी भी आपने हेट नहीं फैलाया। हमेशा मुझे अच्छे कमेंट्स किए हैं, अगर कुछ बुरा लगा तो आप लोगों ने मुझे वहाँ पे बताया है कि अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आपने अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर की है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके कोई कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं आपका एक एक कमेंट वहाँ पे पढ़ती हूँ और जितने भी आप सजेशन देते हो मुझे पसंद आते हैं और मैं अप्लाई भी करती हूँ। तो गाइस, ये चीजें हुई एंड मैंने यही ट्राई किया कि मैं आप तक हमेशा अच्छे ऑफर्स पहुंचाऊं, अच्छी वीडियोस पहुंचाऊं, तो यही ट्राई किया है और आप लोगों ने इसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूं। एंड मैंने लास्ट टाइम अभी एक गिव अवे भी किया था जिसके अंदर मैंने आपको 1000 रुपीज के गिफ्ट दिए हैं। एंड गाइस, वहां उस पे ना इतनी सारी क्वेरीज आई थी, मतलब इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 200 प्लस लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ 10 लोगों को ही वहाँ पे गिफ्ट दे पाई। एंड बहुत सारे लोगों के तो गिफ्ट अभी पहुंच भी गए हैं दिवाली से पहले, और 2 लोग ऐसे थे जिनका पिन कोड नहीं दिया था उन्होंने, तो उनका थोड़ा प्रोसेस लेट हुआ है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा गिफ्ट पहुंचने में। एंड गाइस, इंस्टाग्राम पे भी एक गिव अवे चल रहा था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम पे गिव अवे चलने वाला है, तो आप पहले से ही फॉलो करके रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी ऑफर मिस करो, कोई भी गिव अवे मिस करो। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा आप YouTube पे और Instagram पे एक्टिव रहो, ताकि आप तक सारे ऑफर्स पहुंच सके, सारे गिव अवे पहुंच सके, कुछ भी मिस ना हो। तो गाइस, जितने भी मुझे सजेशंस मिलते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इन सजेशंस को अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं अगली वीडियो में ऐसा करूंगी कि जिसका भी मैं सजेशन लूंगी उसका नाम कॉल आउट करूंगी और उनको 50 रुपीज का बोनस भी दूंगी, तो ये चीज अच्छा हो जाएगा। तो आप मुझे अच्छे से अपनी चीजें बता भी पाओगे कि क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए, किस तरह के आपको ऑफर्स चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट कर दिया करना। एंड हर कॉमेंट देखूंगी मैं और उनमें से चूज करा करूंगी, हर एक वीडियो में एक कमेंट में वहां पे चूज करूंगी। तो इस चीज में ये अच्छा हो जाएगा कि आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा एंड मुझे भी सजेशंस मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको सिर्फ दिवाली विश करने आऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों से बात नहीं हुई थी। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं लाइव आऊँ और आपसे मैं लाइवली इंटरेक्ट करूँ, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वहाँ पे मैं सॉल्व कर पाऊँ, तो ये चीज मैं ट्राई कर रही हूँ। तो जल्दी मैं लाइव आऊंगी, तो जितनी भी आपके सजेशंस हो, क्वेरीज हो, आप कलेक्ट करके रखिए और डेट टाइम मुझे बताइएगा और मैं डेट टाइम ही आपकी सॉल्व कर दूंगी। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो सपोर्ट तो है ही, और फिर आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगी। तो गाइस, दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। एंड मेरे को ये भी एक बताना था कि आप जब भी दिवाली का स्टफ खरीदते हो, तो आप बड़ी दुकानों से ना खरीद के ना छोटी दुकानों से खरीदीजिए, जो रोड पे दुकान लगाते हैं। तो उस चीज में ये अच्छा हो जाएगा कि आपको भी एक तो सस्ते में सामान मिल जाता है, और ऊपर से उन लोगों की दिवाली उसी चीज से बनती है जो आप खरीद रहे हो, तो उनका भी अच्छा हो रहा है, आपका भी अच्छा हो रहा है। और गाइस, ये भी कीजिए कि उनसे ना कभी तोल मोल मत कीजिए, क्योंकि आप कभी भी मॉल में जाते हो, कभी तोल मोल करते हो, जितने का होता है उतने का ले लेते हो, है ना। कभी नहीं बोलते ना कि आप इसमें 100 रुपए कम कर लो, 150 रुपए कम कर लो, कभी नहीं बोलोगे। तो आप उसको 10 रुपए या 20 रुपए कम करने के लिए भी मत बोलो। तो ये चीज अच्छी, मुझे बस यही बताना था आपको कि दिवाली का सामान आप रोड से खरीदिए, ना कि बड़ी दुकान से, तो इसमें उन लोगों का अच्छा है और आपको भी सस्ते में मिल रहा है। तो मैं अब चलती हूँ, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, दूसरों को भी खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए।